बात कहना चाहूंगा जी, आपने अभी एक बात कही कि पांडे जी ने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा है जो बहुत अच्छे हैं, तो मेरा तो पांडे जी के बारे में ये कहना है, पांडे जी और की वो बूंद है जी, अगर सांप के मुंह में डलेगी तो जहर बन जाएगी और अगर सीप में पड़ेगी तो मोती बन जाएगी जी। तो पांडे जी का तो ये काम है जी, पांडे जी हमारे ये दुष्ट काले चरित्र के जो नेता हैं उनके सामने खड़े हुए तो वो जहर का काम करेंगे, और अगर हमारे देशभक्तों के सामने खड़े हुए तो वो मोती का काम करेंगे जी, जो बेशकीमती है। ऑनेस्टली जब पहली बार मुझे पांडे जी ने इस मिशन के बारे में बताया था तो मुझे लगा जैसे और संगठन चल रहे हैं और समुदाय चल रहे हैं, ये भी उन्हीं में से एक है, लेकिन जब मैंने सर को स्पीच देते हुए सुना इस पैनल के बारे में, जब मैंने बैठे हुए सर को देखा और पहली बार सुना, जो कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कुछ है जो सबसे अलग है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव है इस मिशन के अंदर जो मुझे खुद अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास संजय जी, मैं बहुत सारे समुदाय के साथ जुड़ी हूँ लेकिन मैं 0% एक्टिव हूँ, वो लोग सिर्फ मेरा एक नाम चाहते हैं, मेरा फेस चाहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने केपी पांडे को जब मैंने ये सर की स्पीच सुनी और इस पर पूरा सर का ये जो मॉडल है हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन का, मैंने केपी पांडे जी से कहा कि आप इतने टाइम से जुड़े, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जोड़ा, मुझे तो बहुत लेट कर दिया, मैं 7000 भी हूँ शायद आज जब मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन सर ऑनेस्टली केपी पांडे ने मुझे पहले एक ऐसे मिशन में जोड़ा है जिसमें जुड़ने के बाद मैं इनसे ये कहती हूँ आप किसी में नहीं जुड़ना, ये मिशन हमें वहां तक ले जाएगा जो हमें चाहिए एक्चुअली। एंड सबसे पहले थैंक यू सर, मैं केपी पांडे को करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया, और मुझे शायद आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मुझे ये पद दिया। नहीं, आप इस पद के हकदार हैं जी, और देखिए असली जी को वो कहावत है कि सुनार ही पहचान सकता है जी, और असली घी तो खुशबू अंधेरे में भी देता है, तो आप असली घी हैं हमारे बिल्कुल, जो दूर तक खुशबू देते हैं जी। आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हो संजय जी, आप सर का साथ, आपके साथ और हमारे सारे टीम का साथ चाहिए। आपको आश्वस्त किया ना जी, हम आपके साथ खड़े दिखेंगे आपको जी, बिल्कुल। और वो कहावत है कि जोरी ने हीरे को पहचाना है, तो जोरी हमारे पास है जी, तो जोरी तो हीरे को पहचानेंगे जी। सर का आशीर्वाद हम पे ऐसे बना रहे, शिवाल जी और आप लोग इतना प्यार मिलता रहता है हमेशा, हर वक्त हम लोग का बात भी होता रहता है फोन से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये विनोद मारन जी बोल रहे हैं कि मैं भी बात करना चाहता हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं, विनोद जी आप सीट पे आइए, हम आपसे बात करते हैं। स्वागत है विनोद मारन सर का, प्लीज बताइए विनोद मारन सर, प्लीज जी आप बोलिए, अब आप अपनी बात रखिए। सर नमस्ते आप सभी को, मेरा मेरा तो बस सर यही मानना है, अभी कल परसों हमारे यहाँ पे कुछ हुआ है, जो अभी सर ने कुछ बताया था कि कुछ लोग बुरे लोगों है जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने काफी लोगों को समझा मगर कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आई इस बातों को, और मैंने कुछ लोगों को बीच में ज्वाइन भी करवाया मगर वो लोग नहीं करना चाहते, यही बोलते हैं कि भारत मिशन तो बस खाली एक अलग से वो है पूरा, आप थोड़ा सा मुझे बताइए मैं क्या करूँ फिर इसमें सर। और देखिए विनोद जी, अभी हम लोगों ने संगोष्ठी की दिल्ली में, और हमारे आदरणीय मैत्री शरण गुप्त जी की उपस्थिति वहां रही, और हम लोगों ने वहां शुरू किया, और आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र के माध्यम से हम लोगों को समझाया कि ऐसा पत्र लिखा जाए, और अध्यक्ष जी ने भी अपने हिसाब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आगाह किया, तो आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने 80 टीमों का गठन किया, और वहां पर रेड डली और वहां पर जो नशा बेचते थे उनको पकड़ा गया, तो आप थोड़ा सा धैर्य और विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा पूरे भारत में। देखिए हमारे अध्यक्ष जी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा रहे हैं और वो ठीक हो जाएगा, जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे हमारे अध्यक्ष जी हमारे बगैर कुछ नहीं है, लेकिन जब हम साथ में जुड़ जाएंगे उनके और हम मेहनत करेंगे तो हमारे अध्यक्ष जी ऐसा हमने सोचा भी नहीं होगा कि जैसा वो कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस बात से बेफिक्र रहिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ चलिए, आप अपने उसकी तरफ हौसले की तरफ चलिए, बस हौसला बनाए रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो और थोड़ा सा समय दो।
विनोद जी, जब कुछ अच्छा करने निकलते हैं ना तो बुराइयां जो है हम पर हावी होती हैं। तो हमें सिर्फ अपना मोटिव ध्यान रखना है, हमें क्या करना है हमें वो ध्यान रखना है। जो लोग नहीं जुड़ना चाहते उन्हें छोड़ दीजिए, जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़िए और अपने इस मिशन के बारे में बताइए। और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो यहाँ पैनल पर संजय सिवाल जी का नंबर है, सर मैत्री सर का नंबर है जो हमारे अध्यक्ष जी है, केपी पांडे जी का नंबर है, नरेंद्र जी का है, ललन जी का है, आप वो नंबर शेयर कर सकते हैं और आप उनको बात करवा सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं हमारे मिशन के बारे में कि क्राइम फ्री भारत मिशन है क्या, इतना नहीं सोचना है, जो नहीं जुड़ना चाहता है अगर आपको कुछ नेगेटिव बोलता है तो आपको उससे नाराज नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने मुस्कान के साथ उस साइट से ध्यान हटा देना है, क्योंकि वो लोग वो छोड़ रहे हैं जो वो देख नहीं पा रहे हैं, और जब वो देखेंगे तब वो खुद आपके पास आकर कहेंगे कि हमें इस मिशन के साथ जोड़िए। ठीक है मैम जी, आप अपने मिशन पे अग्रसर रहिए। और देखिए अभी हमारे पास समय की सबसे ज्यादा जो कमी है वो समय की है, क्योंकि 2024 में ये बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता हारने जा रहे हैं और देश बदलने जा रहा है, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो बड़े बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं इनको घर से निकलने में शर्म आएगी, ये अंदर ही अगर फांसी खा के मर जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनको इतनी शर्म आएगी कि हम अदने से चंद्रगुप्त से हार गए जिसे कोई नहीं जानता, और मैं इतने बारी का सांसद, इतने बारी का MLA, मैं कैसे हार गया, तो वो आधा तो शर्म से ही मर जाएगा और अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ये लोग। और आप थोड़ा सा सबर और विश्वास रखिए, अपराध मुक्त भारत मिशन 2024 में देश बदलने जा रहा है। ठीक है सर। ललन जी, ललन सर, सर 11 बज गए। ग्यारह बज गए, अभी सभा का समापन करने से पहले कुछ एक मंत्रणा और है। अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बता के गए हैं कि नारी विंग का टाइम जो होगा मीटिंग का 8 से 9 बजे। जी ईशा मैम प्लीज, 8 बजे हॉट सीट पकड़ लेंगे आप, 7 से और 9 बजे तक रहेंगे, 9 बजे बेशक 9 बजे के बाद संजय सर आ जाएंगे या केसी सर आ जाएंगे या हम आ जाएंगे, तो फिर हॉट सीट पे आ जाएंगे। महिलाओं की टीम में पुरुष का किसी का अधिकार नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8 से 9 बजे आप हॉट सीट ले लेंगे। जस्ट अ मिनट, वो मीटिंग जो है इस पर नहीं होगी, वो गूगल मीट पे होगी या जूम पर होगी, और आप उसे स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करिए और उसे आप अपने ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके उसकी लिंक मुझे भेज दीजिए, जो मैं चारों तरफ पब्लिश कर दूंगा। तो ये काम हर विंग को करना है, और ये कोई भी मीटिंग जो है वो क्राइम फ्री भारत के मिशन ऐप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नहीं होगी, और इसको हम 7 to 8 सभी के लिए इसको कर रहे हैं। मतलब बेसिकली 18 विंग जो है ऑर्डर की गई हैं, 18 लोग जो है 18 विधाएं एक साथ काम करेंगी, किसानों की विधा काम करेगी, युवाओं यूथ विंग जो है ना, क्राइम फ्री भारत की यूथ विंग जो है ना बहुत जल्दी हम गठित कर रहे हैं, तो वो काम करेगी, किसानों का काम करेंगे, पंच सरपंच की अलग विंग है, ठीक है ना, नारी शक्ति की विंग तो आपकी है ही, वरिष्ठ नागरिकों की विंग जो है उसके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कल घोषित हो चुके हैं, आपको शायद जानकारी होगी, ईश्वर प्रसाद जी को हमने नेशनल प्रेसिडेंट फॉर जो है सीनियर सिटीजन के लिए घोषित किया है, और मैं चाहूंगा कि उनको सभी लोग सहयोग दें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सीनियर सिटीजन विल बी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है सीनियर सिटीजन प्ले करेंगे, क्योंकि हर सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों और परपोतों के लिए एक अच्छा भारत चाहता है। तो ललन जी आप ध्यान दिया करिए, जो बात कही जाती है उसे बड़ी बारीकी से सुना करिए, जैसे ये कंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया था कि साहब ये मीटिंग आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पे करना है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसी समय 18 जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस अलग अलग चलेंगी, सीनियर सिटीजन वाला सीनियर सिटीजन का करेगा, नारी शक्ति वाला नारी शक्ति का करेगा, और ये सभी लोग इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे,
और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और उसकी लिंक भेजेंगे जो हम चारों तरफ पब्लिश कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे साथ 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें आई कैन रीच आउट विथ ए क्लिक ऑफ बटन। क्लिक ऑफ बटन हमारी बात 15 लाख लोगों को जा रही है। ढेर सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ढेर सारे लोग विस्मृत हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो कहा जा रहा है इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे ज़मीन पे उतर जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब वो बात समझेंगे तो उन्हें ये बात समझ में आएगी। लिहाजा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब जो है अपना दिल छोटा नहीं करना है, अब अपना दिल बड़ा करिए। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन की स्टेशनरी जहाँ पहुँच जाएगी वहाँ अन्याय गायब हो जाएगा, और यदि न्याय नहीं किया गया तो ऐसे लोग आर्टिकल 311 के तहत बिना विभागीय जांच के लिए जॉब से खोने के लिए तैयार रहें, क्योंकि उन्हें जो नौकरी मिली है वो न्याय करने के लिए मिली है। उन्हें कोई पद मिला है तो चरण सेवक बनने के लिए नहीं मिला है। इस बात को हर भारतवासी बहुत गंभीरता से सुने जाने, अन्यथा वो अपना अहित करेगा। अब समय खत्म हो गया है इन राजनेताओं के चरण सेवक बने रहने का। हमारे अधिकारी बहुत विद्वान हैं और जब चुनाव नज़दीक आता है और वो देखते हैं कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो समय रहते उसकी भी चापलूसी करके अपना जगह बना लेते हैं। यही कारण है कि पार्टियां बदल जाती हैं, सो कॉल्ड टैक्टफुल ऑफिसर वो हमेशा भारी पदों पर ही बने रहते हैं। लिहाजा मुझे इनके बुद्धि और विवेक पर पूरा भरोसा है। अब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि आने वाला समय क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों का है, और इन चंद्रगुप्तों का ये सौभाग्य है कि उन्हें ना तो कानून की चिंता करना है ना टेक्नोलॉजी की चिंता करना है। ये काम करने के लिए उन्हें उनका चाणक्य अवेलेबल है जिसने इतना होमवर्क करके रखा है, इतने कानूनों के ड्राफ्ट बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ड्राफ्ट जो है बच्चे बना रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड वकील है वो ये ड्राफ्ट बना ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी सोच और चिंतन जो है उसके पुराने अनुभवों से बंधा हुआ है। तो ये जो कानून क्राइम फ्री भारत मिशन के बनेंगे, ये बच्चे बनाएंगे, फ्रेंग एंड फर्टाइल बच्चे बनाएंगे, और उनको जो मार्गदर्शी सिद्धांत दिया जाएगा उसके तहत बनाएंगे। तो आज की जो एडजॉइनमेंट, आज की जो प्रक्रिया, ये सब हट जाएगी। अब हमारी न्यायपालिका का जो प्रतीक है, जो आंखें बंधी होती हैं, अब आंखें नहीं बंधी होंगी उनकी, अब उनकी आंखें हजार होंगी, चारों तरफ आंखें होंगी। ऐसा एक उनकी प्रतिमा बनाना पड़ेगी जिसमें आंखें ही आंखें हैं। और क्राइम फ्री भारत जिस मॉडल को ला रहा है, जुडिशियल मॉडल को, उस मॉडल के तहत जज निर्णय के पहले एक बार स्वयं मौके पर जाएंगे और जो उन्होंने विचार बनाया है उसे अपने आप को संतुष्ट करेंगे कि वो सही निर्णय दे रहे हैं। तो आज की जो घटिया जो प्रक्रिया है जुडिशियल की, ये विलुप्त होने वाली है। और जो लोग समझते हैं ये बहुत कठिन है, ये बहुत ही आसान है। हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस इतनी आसान है। ये 10 मिनट लेने वाला काम है। तो जो काम ये 75 सालों में नहीं कर पाए हैं वो 10 मिनट में हाँ की जीत और ना की हार से होने वाला है। लेकिन हाँ, इसके पहले उसे पब्लिक से पकाया जाएगा, उसके बाद उसे चंद्रगुप्त से पकाया जाएगा। और मुझे विश्वास है जो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में बहस होंगी वो इतनी बड़ी होंगी, क्योंकि हमारे चंद्रगुप्तों को चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, उन्हें पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर इतना पका दिया जाएगा कि जब वो विधानसभा में और पार्लियामेंट में बोलेंगे तो उनसे बड़ा विद्वान कोई दिखाई नहीं देगा, चाहे उन्हें डोमेन नॉलेज हो चाहे ना हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि जब कभी गैप्स होते हैं और हमें जो है अपने मार्गदर्शन के लिए पार्लियामेंट्री डिबेट की तरफ देखना होता है
तो हमें मालूम पड़ता है कि पार्लियामेंट में कोई डिबेट ही नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के हमारी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अफसोस जाहिर नहीं करना होगा। बस मैं इस इंटरवेंशन के साथ जो है पुनः जो है मौन व्रत में जा रहा हूँ। बहुत